पाली के रानी थाना अंतर्गत फिल्मी स्टाइल में व्यापारी से 18 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। पुलिस ने चंद घंटों में ही 5 में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक फालना के निजी हॉस्पिटल का पूर्व कर्मचारी है जो कि लूट का मास्टरमाइंड था, जो पिछले कई दिनों से व्यापारी पर नज़र रखे हुए था और हॉस्पिटल से इनपुट ले रहा था। जब उसे पता चला कि सोमवार को व्यापारी 18 लाख रुपए लेकर निकलते हैं तो दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले में एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर 150 पुलिसकर्मी जुटे थे। घरों पे और इनके जो संभावित ठिकाने हैं उन पे दबिशें दी और भवानी सिंह, शिवा और अर्जुन को पुलिस ने रात को फिर डिटेन कर लिया और अभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लूट की राशि है उसकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ी है वो जब्त हो गई है और जो लूट की राशि है वो अभी पूछताछ चल रही है और अभी पीसी लेकर के इनकी जो लूट की राशि है वो बरामद की जाएगी। इनका वारदात का तरीका ये था कि ये जो भवानी सिंह है, ये जो आरके मेमोरियल हॉस्पिटल है उसमें जिसकी केवलचंद जैन है उसकी लैब और मेडिकल की शॉप है उस पर काम करता था और 1 तारीख को इसको वहाँ काम से निकाल दिया गया था। इसको ये पता था कि केवलचंद जैन का इस हॉस्पिटल मालिक के साथ में जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको लेकर के आपस में अब समझौता होकर के इसकी जो लैब और जो मेडिकल शॉप है वो हॉस्पिटल मालिक को दी गई और उसके बदले में उसको पैसे मिलने हैं और इसने 1 तारीख को जो वो पैसे लेके गया उसका इसको पता था। इसके बाद में इसने हर दिन लगभग जो वहाँ हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं उनसे पूछता था कि सेठ जी आए क्या। कल जब इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि सेठ जी हैं वो आकर के और पैसे लेके चले गए हैं तो इन्होंने जो वारदात करने का था ये 3-4 दिनों से ही प्लानिंग कर रहे थे। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उनको बताया कि ये डस्टर गाड़ी लेकर के रेगुलर आते हैं तो डस्टर गाड़ी में जो गुजरात पासिंग की है उस गाड़ी के अंदर ये जा रहे हैं। उसके आधार पर इन्होंने गाड़ी का पीछा किया और सोमेश्वर चौकी से 5 किलोमीटर पहले गाड़ी रुकवा करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। जो प्लानिंग करने वाला है और जो इन जो गाड़ी में बैठे हुए लड़के हैं उनको गाइड कर रहा था वो भवानी सिंह है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 में से 4 आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और 5वें के लिए टीम हमारी टीम है वो दबिश दे रही है। इसके अलावा और भी कोई वारदात अभी तक पूछताछ में इन्होंने और वारदातें हैं वो कबूल नहीं की है, लेकिन अभी जो इनकी हमारी बाकी जगह पे जो लूट की घटनाएं हुई है उनकी जो CDR का एनालिसिस है और हैं वो देख करके हम और बाकी जो हमारे मुखबिर तंत्र है उससे ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये अन्य वारदातों के अंदर भी शामिल हैं क्या। पैसों को लेकर क्यों चंद सिंह पूछताछ हो रही है सब 18 लाख रुपये जैसे। हाँ, इन्होंने लूट के बाद में जब ये वहाँ से इधर सांडेराव की तरफ से होकर के निकले हैं तब इन्होंने बीच रास्ते के अंदर किसी ने 4 लाख रुपया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3